जैसा कि शायर फरमाते हैं कि अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, औलाद भी इमलाक भी जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। जी, मैं भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ और अभी मैंने 2-3 दिन पहले ये लाइब्रेरी ज्वाइन की है। मुझे भी किसी से पता चला कि यहाँ पे लाइब्रेरी खुली है तो मैंने ज्वाइन की, क्योंकि घर पे अच्छा माहौल नहीं होता है। यहाँ पे बहुत पीसफुल माहौल है, शांति है, इंटरनेट की सर्विसेज हैं, हर तरीके की सुविधाएं हैं, तो बस मैंने पढ़ने के लिए ज्वाइन किया। में तो बहुत ज्यादा जरूरत है इस चीज की, क्योंकि यहाँ के बच्चे जो है, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों जो है, इंडल्ज हो रहे हैं बहुत बुरी एक्टिविटीज में, जैसे ड्रग्स ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, अलग अलग चीजें जो है, जो हमारे लिए बिल्कुल भी जो है अलग जो है चीज है। तो इसके लिए जो है अब्दुल्ला लाइब्रेरी जो है एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। हम पे पैसे खर्च कर रहे हैं, उसको हम कोई अच्छा काम में क्या करें, इन्वेस्ट करें, ना कि हम बुरी सोहबतों में पड़ जाएं, जैसे कि ड्रग्स हैं या कोई हम बुरे आदतों में पड़ रहे हैं। हमारे जो दोस्त वगैरह हैं, हम उनके साथ मिलकर अपना प्रीशियस टाइम जो है वो ज़ाया कर रहे हैं। उससे अच्छा है हम आके लाइब्रेरी में बैठे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त मैं अब्दुल्लाज लाइब्रेरी है किश्तवाड़ में। अल्लाह ताला ने जब कुरान नाजिल किया था तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई थी तो उसमें इकरा आया था, यानी कि पढ़ो तुम अल्लाह के हुक्म से। इसका मतलब यह है कि दीन में तालीम का कितना ऊंचा मकाम है, ये उसी चीज़ से जाहिर है कि जब अल्लाह ताला ने इतने बड़े कुरान की जो है को जो है वो नाजिल किया, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई उसमें इल्म और तालीम का जिक्र किया है। इस वक्त हम किश्तवाड़ के जो अब्दुल्लाज लाइब्रेरी है, जो एनएसपीसी हॉस्पिटल है उसके पास में है, और साथ में यहाँ पर मदर प्राइड जो हाई सेकेंडरी स्कूल है, हाई स्कूल है, उसके साथ ये लाइब्रेरी है और न्यूली एस्टेब्लिश हुई। और हमारे एक दोस्त जो सऊदी अरब में मुकीम है, जब उनको पूछा गया कि उन्होंने चाहा कि मैं किश्तवाड़ में कुछ करना चाहता हूं तो क्या करूं, तो उनको यह सजेशन दी गई कि यहां पर तालीम की जो है वो सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि सऊदी अरबिया भी जो है वो तालीम में एक बहुत बड़ा मकाम रखता है। तो इसलिए उन्होंने फैसला किया कि मैं यहां पर जो है वो बच्चों के लिए जो है वो लाइब्रेरी को एस्टेब्लिश करूं। इस लाइब्रेरी को एस्टेब्लिश करने के लिए जो है वो लाखों रुपए खर्च हुए हैं। हालांकि इस लाइब्रेरी से पैसे कमाने का तो बिल्कुल भी मकसद नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो मैं बता दूं वो ज़रूरी है कि जो यहाँ पर जो रख रखाव के लिए रहेंगे, जो बाकी चीज़ों के लिए रहेंगे, उसके लिए फाइनेंसिस जो है वो सेल्फ हेल्प के तहत जो है वो जनरेट करने हैं। इसलिए यहाँ पर अब ये लाइब्रेरी है, यहाँ पर तकरीबन 60 लोगों के बैठने की जो है वो कैपेसिटी है। पूरा सीसीटीवी लगा हुआ है यहाँ पर, और अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो इस पर जो है वो सेकंड स्टोरी भी जो है वो आगे चलकर जो है वो बनाई जाएगी। यहाँ पर काफी बच्चे आए हैं, हम आपको दिखाएंगे। पहले इस लाइब्रेरी को हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर के किस तरह से जो है वो यहाँ पर, ये देखिए, पहले हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाएंगे। ये जो है लाइब्रेरी, आप देखिए, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, कुछ बच्चे भी जो है वो आए हुए हैं यहाँ पर, हमारी कुछ बच्चियाँ भी जो है वो आए हुए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, बाकी चीज़ें जो है वो सब जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। आप अपना लैपटॉप ला सकते हो, आपको पढ़ने का जो है वो यहाँ पर मौका मिल सकता है। आप देखिए यहाँ पर कुछ बच्चे आए हैं, इस वक्त दोपहर का वक्त है। ये देखिए, ये बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, इसमें जैसे कि मैंने बताया तकरीबन 60 बच्चे जो है वो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ है यहाँ पर, सब चीज़ें अवेलेबल है, इंटरनेट अवेलेबल है यहाँ पर, क्योंकि आजकल कंपटीशन का दौर है। चंद दिनों पहले जो है वो नीट हुआ है यहाँ पर, चंद दिनों पहले जो है वो नीट भी यहाँ पर हुआ है, जो CUET है वो भी हुआ है यहाँ पर, होने जा रहा है 14 और 15 को, शायद 15 को जो है वो यहाँ पर एग्ज़ाम्स हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर ये नौजवान भी जो है वो पढ़ने के लिए आए हैं, हमारे तारिक साहब भी यहाँ पर आए हैं इसको देखने के लिए, और हमारे आदिल भट्ट साहब है, ये भी जो है ये प्रिंसिपल है असरारिया वेरी जो हाई स्कूल है उसके। आप देख सकते हो इस वक्त ये जो है लाइब्रेरी के जो है वो हम आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं, हम आपको बाहर का भी दिखाते हैं कहाँ से जो है। ये देखिए, ये जो है वो एंट्रेंस है इसका, यहाँ से ये देखिए, ये ऊपर से इसका एंट्रेंस है जो सीधे NHPC हॉस्पिटल है। और हम आपको लोकेशन दिखाते हैं, ये देखिए, यहाँ से जो है ये मदर प्राइड हाई स्कूल की ये बिल्डिंग है,
इसके साथ में ही जो है ये एस्टेब्लिशमेंट है यहाँ पर। आप देख सकते हैं मॉडर्न चीज़ें जो है वो यहाँ पर रखी गई है, वाशरूम बाथरूम वगैरह सारा है। ये देखिए किचन वगैरह यहाँ सारा है, पानी वानी के लिए जो है वो अभी ये डेवलपिंग स्टेज में है इंशाल्लाह, क्योंकि जो हमारे फाजिल दोस्त हैं उनका ये कहना है कि हम चाहते हैं कि किश्तवाड़ में जो है वो एजुकेशन का एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बने, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी राजौरी पुंछ का नाम आता है वहाँ से रोज़ाना जो है वो लिस्ट में KAS ऑफिसर आए, IAS ऑफिसर होते हैं। हमारे यहाँ पर अगर देखें तो कुछ गिने चुने हैं जिनमें अभिषेक शर्मा है, हमारी डॉक्टर सैरिश असगर है और विमरेश आर्यन है, हालांकि वो डोडा से हैं लेकिन उनकी तालीम और वो जो है वो यहाँ पर पले बढ़े हैं। रिसेंटली जो है वो हमारी बच्ची अनमोल जो है उसको 7th रैंक जो है वो मिला, जो आज तक का हाइस्ट रैंक है किसी भी, वो भी जो है वो किश्तवाड़ में ही पली बड़ी है। उसके फादर की भी ड्यूटी किश्तवाड़ में ही थी, मदर की भी ड्यूटी किश्तवाड़ में ही थी, बेसिकली वो भदरवा की है। पहले उन्होंने KAS टॉप किया, जिस तरह से सैरिश ने पहले KAS टॉप किया था। आप देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे, पहले आदिल से बात करेंगे। आदिल, क्या बोलेंगे आप इस लाइब्रेरी को लेकर और यहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम है उसको लेकर? देखिए आसिफ भाई, इन द नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल, जैसा कि शायर फरमाते हैं कि अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, औलाद भी इमलाक भी जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारा तकबीर भी फितना। तो जैसा कि आज माहौल बनता आ रहा है, अगर हम देखेंगे हमारे नौजवान जो हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं, वो सारा यूथ जो है आज का वो डाइवर्ट हो रहा है नशे की ओर। तो सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा यहाँ की मैनेजमेंट को जिन्होंने इस लाइब्रेरी का यहाँ पे इनेकाद किया। देखिए इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारा किश्तवाड़ भी कहीं ना कहीं आगे आएगा। एजुकेशन के फील्ड में अगर देखा जाए हैं तो हम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तरक्की है हमारी एजुकेशन फील्ड में भी, लेकिन अगर देखा जाए आज ड्रग्स की वजह से हमारा यूथ जो है बहुत ज़्यादा बिगड़ता जा रहा है। तो इसलिए मैं यही समझता हूँ कि ये खुशकिस्मती की बात है कि यहाँ पे एक लाइब्रेरी का इनेकाद हुआ है, बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिला है यहाँ पे, इन चीज़ों से वो छुटकारा हासिल कर सकते हैं। वो आएँ यहाँ, यहाँ पे जितना वो पैसा, लाखों का पैसा जो वो फजूल चीज़ों पे खर्च रहे हैं, उनके लिए बेहतर रहेगा कि अगर वो यहाँ लाइब्रेरी में आएँ, बुक्स लाएँ, यहाँ पे उनको बुक्स भी अवेलेबल मिलेंगी, वो हर एक कम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से गुजार सकते हैं। तो वालिदैन से मेरी यही गुजारिश रहेगी कि वो अपने बच्चों को देहात दें और ऐसे ऐसे इदारों के अंदर वो अपने बच्चों को भेजें। आप ही, जब पिछली बार मैंने आपके एनुअल डे फंक्शन में जो है वो हिस्सा लिया था, वहाँ पर आपने बोला था कि पेरेंट्स की जो है वो सबसे बड़ी डिमांड थी कि स्कूल के अंदर लाइब्रेरी को एस्टेब्लिश किया जाए और वो आपने की। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर और लाइब्रेरियों की ज़रूरत है, और अगर आपने इस लाइब्रेरी को देखा आपको क्या नज़रिया लगता है कि इसमें और किस तरह की तब्दीलियों की ज़रूरत है? देखिए मेरा ये मानना है कि अगर किश्तवाड़ में जितनी लाइब्रेरीज हों उतनी कम हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी जैसे कि आपने कहा इस लाइब्रेरी की अगर बात की जाए तो हियर इज़ अ स्पेस ऑफ ओनली 50 to 60 कैंडिडेट्स। तो हमारे किश्तवाड़ का यूथ जो है अगर देखा जाए तो यहाँ पढ़ने लिखने वाले बहुत सारे बच्चे 30,000 तो, के करीब। हाँ, तो कैपेसिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऐसी 1,000 लाइब्रेरीज भी अगर होंगी तो वो भी कम है, और जितना प्लेटफॉर्म बच्चों को मिलेगा यहाँ पे पढ़ने के लिए तो मेरे हिसाब से वो बेहतर रहेगा। और ये है कि डिस्टेंस के अकॉर्डिंग भी, जैसे ये अभी NSVC वाली साइड में है तो जैसे अगर पुछाल हुल्लर वगैरह एरियाज की बात की जाए तो मैं भी उन बच्चों को यहाँ पे दूर पड़ सकता है आने के लिए। तो इसके लिए हो सकता है कि अगर उन एरियाज में भी ऐसी लाइब्रेरीज का इनकार किया जाए तो ये बेटर एक इनिशिएटिव रहेगा सभी के लिए। और जहाँ तक पेरेंट्स का तल्लुक है, जो आपने सवाल किया, पेरेंट्स तो चाह रहे हैं लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि पेरेंट्स के साथ साथ बच्चों को भी इस चीज़ की तरफ तवज्जा देनी चाहिए, तब ये लाइब्रेरी जो है सक्सेसफुल हो सकती है। बिल्कुल आपका सही कहना है कि पेरेंट्स जो है वो बच्चों के लिए खर्चने के लिए पैसा तैयार है, लेकिन क्या बच्चे जो है वो तैयार हैं? जैसे कि मैं बता दूँ कि इसकी जो एडमिशन फ़ीस जो है वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस वो 1200 है, जिसमें एक महीने का जो है वो फीस इंक्लूड होगी और फिर आपको 1000 रुपये जो है वो यहाँ पर पे करना है। मैं आपसे थोड़ी सी बात कर सकता हूँ? आप कहाँ से हैं? सर मैं चिनगांव से हूँ, छात्र से। तो आप यहाँ पर आए हैं तो क्या बताएंगे लाइब्रेरी को लेकर, इतनी दूर से आप हैं चिनगांव से? सर ये लाइब्रेरी मैंने ज्वाइन की है सर 2-4 दिन हो गए, इनका इनॉग्रेशन भी हुआ था 2-4 दिन पहले, तो उसके बाद मैंने ये लाइब्रेरी ज्वाइन की है। फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है, सीटिंग कैपेसिटी है काफ़ी, शांत माहौल है यहाँ पे, और पढ़ने के लिए हमारे पास बुक्स भी अवेलेबल है सर।
तो आप चाहते क्या हो और क्या क्या होना चाहिए यहाँ पर लाइब्रेरी में? सर जितनी भी चीज़ें होनी चाहिए वो तो सारा अवेलेबल है अपने पास, इंटरनेट की फैसिलिटीज़ है, बाकी कैंटीन भी अपने पास ही है यहाँ पर। जी आप देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि लाइब्रेरी जो है वो एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अब नशे की जो है वो बात है, नशा जो है वो पूरे किश्तवाड़ के माहौल को जो है वो ख़राब कर रहा है। यही नहीं कि इसमें बच्चे जो है वो मुलाविस है, बल्कि बच्चियां भी जो है वो मुलाविस है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ हमारी बहनें भी हैं, बेटियाँ भी हैं यहाँ पर। आपका नाम? सिमरन कोतवाल। सिमरन, क्या बताएंगे आप लाइब्रेरी के बारे में और आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ तो ज़रूरी कोई कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है। जी जी, मैं भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ और अभी मैंने 2-3 दिन पहले ये लाइब्रेरी ज्वाइन की है। मुझे भी किसी से पता चला कि यहाँ पे लाइब्रेरी खुली है तो मैंने ज्वाइन की, क्योंकि घर पे अच्छा माहौल नहीं होता है, यहाँ पे बहुत पीसफुल माहौल है, शांति है, इंटरनेट की सर्विसेज हैं, हर तरीके की सुविधाएं हैं, तो बस मैंने पढ़ने के लिए ज्वाइन की। तो देखिए, जब हम बात करें किश्तवाड़ की, आज किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जो है वो बेशक टैलेंट पे है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो ड्रग्स और नशे का जो रेट है वो काफ़ी हाई है एज़ कम्पेयर टू, अगर हम पॉपुलेशन, जम्मू की पॉपुलेशन 15 लाख से प्लस है, यहाँ पर किश्तवाड़ की पॉपुलेशन जो है 2.5-3 लाख है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा जो है वो लोग नशे में जा रहे हैं, जबकि हमारी बच्चियाँ भी जो है वो नशे में जो है वो इन्वॉल्व हो रही हैं, और पुलिस के पास दर्जनों के हिसाब से ऐसी लड़कियाँ हैं जिनका लिस्ट में नाम है, जो या करती हैं या बेचती हैं। तो इस पर क्या बोलेंगे आप? देखो, ये सब प्रॉब्लम है एजुकेशन सिस्टम की, क्योंकि यहाँ पे शायद एजुकेशन सिस्टम उतना अच्छा नहीं है या डेवलपमेंट उतनी अच्छी नहीं हुई है, तो अगर एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं होगा, फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, तो बच्चे फिर इन सब कामों में ही लगेंगे। तो ऐसी जैसे यहाँ पे लाइब्रेरी है, अब्दुल्लास लाइब्रेरी, वैसे अगर थोड़े और इनिशिएटिव्स लोग लें, पेरेंट्स थोड़े इनिशिएटिव्स लें, तो हो सकता है बच्चे, क्योंकि बच्चे हैं, दिमाग उतना ज़्यादा नहीं है उनके पास, तो अगर घर वाले थोड़ी कोशिश करेंगे और जो अच्छे लोग हैं थोड़ी कोशिश करेंगे तो बच्चे सही रास्ते पे आ जाएंगे। यानी कि इस बीमारी का इलाज जो है वो कॉम्बिनेशन है एजुकेशन प्लस सोसाइटी और प्लस पेरेंट्स का। यहाँ पर जो है वो और हमारे साथ कुछ बच्चियाँ भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आप बताएंगे कुछ? आपका नाम? जी नूर अफशा जी, क्या बताएंगे आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? और अपकमिंग मंथ में जो है पीजी के एग्जाम है, उसके लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। तो कौन सी क्लास के लिए आपका ये पीजी, कौन से सब्जेक्ट के लिए? इंग्लिश में। तो क्या बताएंगे, जो लाइब्रेरियाँ जो है वो खुल रही है हमारी किश्तवाड़, और जो ये अब्दुल्लास लाइब्रेरी खुली है, हमने देखा पहले भी कुछ लाइब्रेरीज खुली हैं, तो कितनी ज़रूरत समझती हैं आप इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की किश्तवाड़? किश्तवाड़ में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की, क्योंकि यहाँ के बच्चे जो है, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों जो है इंडल्ज हो रहे हैं बहुत बुरी एक्टिविटीज़ में, जैसे ड्रग्स ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ें जो है, जो हमारे लिए बिल्कुल भी जो है अलग जो है चीज़ है। तो इसके लिए जो है अब्दुल्ला लाइब्रेरी जो है एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है हमारे जाफर सर ने, उन्होंने जो अपने मरहूम पापा के नाम पे जो है ये लाइब्रेरी खोली है, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है। तो हमें जो है यहाँ आना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, एक प्रेयर रूम जो है प्रोवाइड किया जा रहा है, ये यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट जो है बहुत अच्छा है, कि अगर आपको नमाज पढ़नी होगी तो उसके लिए भी कमरा है। उसके लिए जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है हमारे लिए पहले प्रेयर, तो उसके लिए जो प्रेयर रूम जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। थैंक यू। आप देखिए, आप भी बताएंगे कुछ? जी, मतलब सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहेंगे मिस्टर जाफर सर को, जिन्होंने इतनी बड़ी ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है अब्दुल्लाज लाइब्रेरी के नाम से, जहाँ पर हमें एक माध्यम मिल रहा है कि हम अपना जो टाइम है उसको कंज्यूम करें सही काम के पीछे, और जो हमारे पेरेंट्स हम पे पैसे खर्च कर रहे हैं उसको हम कोई अच्छा काम में क्या करें, इन्वेस्ट करें, ना कि हम बुरी सोहबतों में पड़ जाएं, जैसे कि ड्रग्स हैं या कोई हम बुरे आदतों में पड़ रहे हैं, हमारे जो दोस्त वगैरह हैं हम उनके साथ मिलके अपना प्रीशियस टाइम जो है वो ज़ाया कर रहे हैं, उससे अच्छा है हम आके लाइब्रेरी में बैठे जहाँ हर एक फैसिलिटी है, चाहे आप नट वगैरह नहीं आप ला पाते हैं तो यहाँ पर वो फैसिलिटी भी रखी जाएगी कि आप बाहर से कुछ मंगा कर खा सकते हैं, नमाज पढ़ाई के साथ साथ आप अपने दीनी जो मतलब इबादत है वो भी कर सकते हैं, उसके लिए भी एक रूम प्रोवाइड किया गया है, तो हम शुक्रिया कहना चाहते हैं। आप नौजवानों को क्या मैसेज देंगे? हम उनको यही मैसेज देना चाहते हैं कि वो अपना जो कीमती वक्त है उसको ज़ाया ना करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है वो एक ही बार मिलती है, और हमें इससे सबक लेना चाहिए कि हमें आखिरत के लिए तैयार होना है। ये इम्तिहान जो हम दुनियावी दे रहे हैं वो तो यहीं पे है, लेकिन हम यहाँ आए हैं हमें आखिरत को संवारना है,
ना कि हम बुरे कामों में पढ़ें, बुरी सोहबतों में। और हम जो पेरेंट्स हैं उनसे भी इसरार करते हैं कि बच्चों को एक्सेस पॉकेट मनी ना दें, उतना ही दें और उसका हिसाब लें कि उन्होंने वो पैसा कहाँ पे खर्च किया, क्या वो सही काम में लगाया है या किसी बुरे काम में उन्होंने वो पैसे खर्च किए। सबसे बड़ी बात यही है कि पेरेंट्स के पास पैसा है लेकिन टाइम नहीं है बच्चों से हिसाब लेने का। मेरी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि वो बच्चों को जो है वो डायरेक्टली पैसे ना दें, और जो भी पैसा दें उसके लिए जो है वो आप उनसे जो है वो हिसाब ले। तारिक, आप भी यहाँ पर हैं किश्तवाड़ में, टीचिंग में जो है वो आप काफ़ी जो है वो जाने माने नाम हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, तो आप खुद भी यहाँ पर लाइब्रेरी को देखने के लिए भी आए हैं, तो क्या बताएंगे आप? जी आचिफ साहब, आपका यहाँ पे हमारी लाइब्रेरी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारा जो पास में हाई स्कूल है, मदर्स प्राइड हाई स्कूल, जो एक लीडिंग इंस्टीट्यूट है किश्तवाड़ का, मैं उसका एक फैकल्टी मेंबर भी हूँ और मैं साथ में यहाँ पे लाइब्रेरी में भी थोड़ा मेरा आना जाना रहता है। मैं स्टडी से बहुत इंटरेस्टेड हूँ, तो आज मैं खुद भी यहाँ पे आया हूँ तो मैंने देखा कि बहुत ही जो है पीसफुल एनवायरनमेंट है यहाँ पे, और जो एक लाइब्रेरी के लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है वो सब यहाँ पे अवेलेबल है। तो मुझे लगता है कि अगर बच्चे यहाँ पे आके अपनी पढ़ाई हासिल करें, चाहे वो किसी भी लेवल की पढ़ाई करें, तो उनके लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ पे। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पे बहुत जो है ना जो पीस है, यहाँ पे शांति है, तो बच्चे जो है ना सारी चीज़ें यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के लिए मैं बच्चों को इन्फॉर्म करता हूँ, उनके पेरेंट्स को यहाँ पे मैं जो ना ये बताना चाहता हूँ कि आपके बच्चे जो अगर यहाँ पे आके पढ़ाई हासिल करते हैं तो बहुत ही सेफ प्लेस है, ना तो बाहर से कोई क्राउड है, ना किसी चीज़ का खतरा, ना कहीं ट्रैफिक का कोई शोर वगैरह यहाँ पे आ रहा है। और बिल्कुल अगर पढ़ाई के मामले की बात की जाए तो बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट है यहाँ पे। तो आपको भी 15 साल से ज़्यादा हुआ टीचिंग इसमें प्रोफेशन में, जो आज नौजवान ड्रग्स में जुलस रहे हैं 18 से 22 साल के जो है कि उसमें ज़्यादातर जाहिर सी तो सी बात है कुछ आपके भी स्टूडेंट हो सकते हैं। जी, जो तो, मेरा थोड़ा सा लिमिटेड एक एक्सपीरियंस है टीचिंग लाइफ का यहाँ पे, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ आप रोज आप न्यूज़ शेयर करते हैं, तो आप अक्सर उभारते हैं सोशल यहाँ पे जो इविल्स हैं उनमें से ड्रग्स वगैरह जो है ना बहुत ज़्यादा फैल रहा है हमारी सोसाइटी में। तो मैं पेरेंट्स को और बच्चों को ये यहाँ पे इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि देखिए, हमारे लिए अगर सबसे बड़ा नशा है जिससे हम सोसाइटी को जो है ना वो एक अच्छी राह पे ले जा सकते हैं, तो वो पढ़ाई का नशा होना चाहिए। पढ़ाई को अगर हम आम करें, पढ़ाई से हमारी सोसाइटी में एक रिवोल्यूशन आ सकता है, उससे हम अपनी सोसाइटी का, अपने मुल्क का, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर सकते हैं। तो पढ़ाई जो है ना ये वाला नशा हमें अपनाना चाहिए बाकी सारी चीज़ों को छोड़ के। और यहाँ पे लाइब्रेरी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, यहाँ पे इसका अगर फायदा उठाए तो बहुत फायदा हो सकता है सबको। अब जी तारिक सर, आपका कहना बिल्कुल सही है, और मैं बता दूँ कि पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं है कि हर एक को नौकरी मिले। पढ़ाई जो है वो एक इंसान को जो है वो ज़हनी तौर पर और ज़हनी शऊर से जो है वो ऊपर उठाती है। तो इसलिए मेरी लोगों से और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो आइए यहाँ पर, अपने बच्चों को भेजिए ताकि वो उनको जो है वो यहाँ पर एक अच्छा माहौल मिलेगा। जैसे कि मैं बता दूँ, ये देखिए ये CCTV कैमराज वगैरह जो है वो यहाँ सारे लगे हुए हैं, और जो बेटियाँ हमारी यहाँ पर बच्चियाँ हैं वो सेफ एंड सिक्योर्ड है, यहाँ पर कोई भी जो है वो आ सकता है। आप आइए यहाँ पर, अपने आप को रजिस्टर कीजिए, और जो आपका अवेलेबल टाइम स्लॉट होगा आप वहाँ पर जो है उस वक्त आइए, और यहाँ पर जो है वो अपने तालीम को जो है वो आगे बढ़ाए, और अपने ज़िंदगी को जो है वो एक मौका दे ताकि वो जो है वो सुधर सके, आप अपने कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयार हो पाए, आप अपने जो फर्दर जो एजुकेशन हासिल करनी है उसके लिए तैयार हो जाए। अगर ये चीज़ आपकी मकसद नहीं है, लेकिन जब आप तालीम हासिल करोगे आपका जो मयार है वो जो है वो ऊँचा होगा, और लोग जो है वो आपको जानेंगे भी और पहचानेंगे भी सिर्फ एक वजह से, वो आपकी एजुकेशन की वजह से, न कि ड्रग कल्चर्स की वजह से, न कि जब आप सड़क पे निकलोगे तो लोग बोलेंगे ये ड्रग एडिक्ट है, सिर्फ जब आप सड़क पे निकलोगे लोग बोलेंगे ये एक काबिल इंसान है, तालीम याफ्ता इंसान है, और ये बहुत ही काबिल और ज़हीन है। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।